In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, and today I'm talking about Lord Mission Test Result. Result ke baare mein baat karenge ki result ab tak kyun nahi aaya, jabki 7 tarikh ki last date jo thi maine batayi thi. लॉ एडमिशन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल तौर पर बिल्कुल तैयार है और कल ही अपलोड होना था, जिसके एक रिज़ल्ट बिल्कुल रेडी है टेक्निकल रीजंस की बुनियाद के ऊपर, जिसमें इंटरनेट हो सकता है, जिसमें कोई सॉफ्टवेयर का मसला हो सकता है, जिसकी 22 रिज़ल्ट जो है वो पोर्टल के ऊपर इशू नहीं किया जा सका जब तक रिज़ल्ट चेक हो चुका है, रिज़ल्ट रेडी हो चुका है और कल ही अपलोड होना था, अपलोड नहीं हुआ उसकी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं अभी भी. उसके ऊपर एक अर्जेंट टीम जो है ना वो तैयार की गई है HEC के अंदर, जो कि इस चीज़ को मैयर कर रही है, जो इस चीज़ को मैनेज कर रही है. ठीक है, अब मुमकिन है मज़ीद 24 घंटे लगते हैं या मज़ीद जो है ना वो 72 घंटे लगते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है. लेकिन चूँकि जो रीजंस हैं, अभी हुआ ये है कि कुछ का रिज़ल्ट अपलोड भी हो गया था, पब्लिक नहीं था हुआ, कुछ का नहीं था हुआ. इसी दौरान क्या मामला हुआ है, क्या माजरा हुआ है, तो जो है ना अभी तक रिज़ल्ट तो फिर पेंडिंग है. ठीक है, वरना कल 7 बजे रात 8 बजे तक रिज़ल्ट मुतवक्के था, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया. उसकी वजूहत जो यही है जो मैंने आपको बताई हैं. अब जो रिज़ल्ट अपलोड होने जा रहा है उसके लिए आपको मज़ीद वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट आपका बिल्कुल रेडी है टेक्निकल रीज़न की बुनियाद के ऊपर, रिज़ल्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका, वो भी कल अपलोड होना था. अब इसके लिए आप मज़ीद आपको जो है ना वो 24 घंटे या 72 घंटे, ये भी ये कन्फर्म नहीं है, ये कन्फर्म जैसे मुझे होता है मैं आपको बताता हूँ चीज़ के बारे में, लेकिन मज़ीद 3 दिन दरकार हो सकते हैं रिज़ल्ट आने के लिए, यहीं से भी ज़्यादा हो सकते हैं. इसके ऊपर अभी जो है ना वो डिबेट मैं नहीं कुछ कर सकता, अभी इस पर कोई बातचीत नहीं कर सकता कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो कि 72 घंटे या 24 घंटे इसके दरमियान कोई मामला हो भी सकते हैं. लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं होती कि क्या रीजंस हैं, जो टीम बैठी है वो कब तक इसको अपलोड करेगी या क्या मामला है, वो अभी जब तक एक्चुअल से चीज़ें मेरे सामने नहीं आती तो उसके ऊपर मैं बात नहीं करता. लेकिन अब ये जो वजूहत थी, जो कि रिजल्ट ना आने की वजूहत थी, उसको मैं सब आपके सामने रख दी हैं और मज़ीद भी मेरी जो है नेगोशिएशन जारी है, जैसे ही कन्फर्म होता है आप तक मैं इस चीज़ को ज़रूर ले आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जिसके बाद मुझे ये एक अर्जेंट बेस पर वीडियो बनाना पड़ रहा है. अब सबके लिए इतना था, अपना ख्याल रखिएगा. अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. थैंक यू.